कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई में 25 अगस्त से प्रगोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में जहां शास्त्रीय नृत्यों के माध्यम से पौराणिक कथाओं को मंच पर उतारा जाएगा, तो वहीं भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी कला के माध्यम से महाभारत, श्री कृष्णा एवं शिव शक्ति के प्रसंगों की प्रस्तुति दी जाएगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ है। विद्यालय की प्राचार्य सविता त्रिपाठी ने आयोजन को लेकर जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। कृष्णा पब्लिक स्कूल में हर साल की तर्ज पर इस साल भी भारतीय संस्कृति नृत्यों व गीतों की श्रृंखला प्रज्ञोत्सव के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बताना चाहेंगे कि पाश्चात्य सभ्यता में डूबे हुए बच्चों को अपने देश की कला संस्कृति से जोड़ने केपीएस स्कूल द्वारा प्रज्ञोत्सव के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कराकर लगातार बच्चों को गायन, नृत्य आदि की जानकारी दी जा रही है। 25 अगस्त से आरंभ इस प्रज्ञोत्सव प्रतियोगिता का समापन 6 सितंबर को होगा। केपीएस स्कूल की प्राचार्य सविता त्रिपाठी ने बताया कि केपीएस स्कूल का नाम ही भगवान श्री कृष्ण के नाम से है, इस हेतु जन्माष्टमी के अवसर पर विभिन्न आयोजनों के साथ प्रज्ञोत्सव पर्व का समापन होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया है, जिसमें सर्वांगीण विकास के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। इस सर्वांगीण विकास में सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, वरन दूसरी भी विधाओं का समावेश होना नितांत आवश्यक है। तो जो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें नृत्य, संगीत, इन सब का समावेश है, तभी इनमें भागीदारी जब होती है, जो धीरे धीरे हमारे बच्चों में से विलुप्त भी होती जा रही है, अगर इनमें कोई बच्चा भागीदार होता है तो वो उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होने में वो बेहद सहायक होता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रज्ञोत्सव एक समारोह का आयोजन किया है, जिसमें सिर्फ कंपटीशन ही नहीं है, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे, जिसमें हमारे सिर्फ स्टेट के या हमारे शहर के ही नहीं, अपितु दूसरे भी स्टेट के बच्चों को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है और रजिस्ट्रेशन 25 तारीख तक चलता रहेगा। ये जो कार्यक्रम है, ये 10 दिवसीय कार्यक्रम है, तो आप समझ सकते हैं पूर्व के वर्षों के अनुसार इसमें 1000 से ज़्यादा बच्चे विभिन्न जगहों से आकर के अपना प्रदर्शन करते हैं, तो इस वर्ष हमको और सफल होने की लगता है, उम्मीद है, और देख करके लग रहा है बच्चों की भागीदारी की ये बहुत अच्छा एक सफल आयोजन होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी अगर आपका इस दिशा में थोड़ा सा भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आइए और इसके भागीदार बनिए, और भी आए हुए बच्चों से कुछ सीखिए और देखिए कि ये आयोजन कितना सफल है और आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देगा। और ये कार्यक्रम 25 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है और इसका जो समापन समारोह है वो 7 सितंबर को है। तो आपकी यहाँ उपस्थिति बहुत हर्षित अनुभव होगा हमें। हाँ जी, आप जानते हैं कि इस स्कूल का नाम कृष्णा पब्लिक स्कूल है, तो कृष्ण की जो है वो उस जन्मोत्सव को मनाना हमारा, हमको लगता है बड़ा अच्छा ही दिन रहेगा अगर हम अपने प्रज्ञोत्सव का समापन उस दिन करें। और मुरली बजाने वाले के जन्म के दिन कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को जब हम पुरस्कृत करते हैं तो वो दिन बड़ा ही बेहतर हो जाता है। तो हम उस दिन जन्माष्टमी को इस रूप में आयोजित करते हैं और जन्माष्टमी के समारोह के साथ साथ इस पुरस्कार आयोजन का भी एक बहुत बढ़िया उत्सव मनाते हैं, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं, आए और इस कार्यक्रम की को देखें, इसका हिस्सेदार बने और जन्माष्टमी की आपको शुभकामनाएं पूर्व से ही। बहरहाल देश प्रदेश के विभिन्न स्थानों से यहाँ पर प्रतिभागी प्रज्ञोत्सव में भाग लेने पहुँच रहे हैं। वहीं विजयी प्रतिभागियों को उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। बताना चाहेंगे कि प्रज्ञोत्सव में भाग लेने हेतु अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।